अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आमना एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ हलीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके लिए आपको ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए। आधा कप चने की दाल और गंदम का दलिया चाहिए। चावल, मूंग, मसूर और माश की दाल आपको हम वजन चाहिए। नमक, सूखा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी और हलीम मसाला आपको चाहिए। अब एक बाउल में आप तमाम दालें शामिल करें। इनको अच्छे से वॉश करके आपने ओवरनाइट सोख करके रख देना है। पूरी रात दालों को भिगोने के बाद दालें कुछ इस तरह से दिखेंगी। हम एक पतीला लेंगे और इसमें भिगी हुई तमाम दालें ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर, हलीम मसाला, अदरक लहसुन की पेस्ट और ऑयल 1 चम्मच डालेंगे। ऑयल डालने से दालें नीचे नहीं लगेंगी। 30 से 40 मिनट हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। पकने के बाद दालें कुछ इस तरह से दिखेंगी। दाल को हम ठंडा करके ब्लेंड करके इसकी पेस्ट बना के एक साइड पर रख लेंगे। अब हम हलीम के लिए कोरमा बनाएंगे, जिसके लिए हमें चिकन चाहिए 1/2 kg, प्याज चाहिए आपको स्लाइस 1 कप, ऑयल चाहिए आपको 1/2 कप, टमाटर आपको 2 से 3 चाहिए बारीक चॉप, हरी मिर्च चाहिए आपको 1 टेबल स्पून और अदरक लहसुन की पेस्ट भी आपको चाहिए 1 टेबल स्पून, नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, लाल मिर्ची और हलीम मसाला आपको चाहिए। अब कढ़ाई में हम ऑयल शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को आपने हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा, हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे और चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करने के बाद हम इसमें तमाम सब्जियाँ ऐड करेंगे, जिसमें टमाटर, अदरक, लहसुन की पेस्ट और सब्ज़ मिर्च है। इसमें आप तमाम मसाले शामिल कर देंगे और इसको हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे कुक करेंगे। अब हम चिकन को अच्छे से 5 मिनट के लिए मसालों के साथ भून लेंगे। जैसे ही मसाला भुन जाएगा, हम इसमें 1 गिलास पानी का शामिल करेंगे। तो हम लो टू मीडियम आंच पे तकरीबन 20 मिनट के लिए कुक कर लेंगे कि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए, गल जाए। 15 से 20 मिनट के बाद चिकन जब गल जाएगा, उसको हम अच्छे से भून लेंगे। चिकन अच्छे से भुन गया, अब हम इसका रेशा बना लेंगे। अब इस चिकन के रेशे के अंदर हम दाल ऐड करेंगे, जो हमने पहले ग्राइंड करके रख ली थी। अब 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसका तड़का प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए आपको चाहिए ऑयल 1/2 कप, को स्लाइस्ड प्याज चाहिए, स्लाइस की हुई अदरक चाहिए और स्लाइस की हुई हरी मिर्च चाहिए, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्चें, जीरा और हल्दी। पैन में हम ऑयल डालेंगे, साथ ही हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे, हल्का सा गोल्डन कलर जैसे ही आएगा फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। प्याज को ओवर कुक नहीं करना, बिल्कुल लाइट गोल्डन सा करना है आपने। जैसे ही प्याज गोल्डन सा होगा, हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे और स्पाइसेस को आपने तकरीबन 1/2 मिनट से ज़्यादा कुक नहीं करना, फिर मसाला जल जाएगा। अब तड़के को हम हलीम के अंदर शामिल कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसको फ्राई प्याज, नींबू, हरी मिर्च और अदरक के साथ सर्व करें। आपकी मज़ेदार चिकन हलीम रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।